स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। इस वक्त हम पिलखाना बाजार में खड़े हैं। 411 412 का एक मैटर है जो अवैध तरीका से इलीगल जगह बताया जा रहा है। जैसे कि हर बाड़ी वाले को कहा जाता है एक कॉमन पैसेज छोड़ने के लिए, तो वैसा एक कॉमन पैसेज है दोनों बिल्डिंग के बीच में। उस पैसेज में किसी तरह से अवैध तरीका से एक दुकान घुमटी लगाकर उसे आमदनी का जरिया बताया जा रहा है। तो इस बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे जिस लोगों का ये जगह है, जिसके बारे में वो जानते हैं, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। रहमानी रहीम, ये जगह के बारे में आपको बताएं, ये जगह कॉमन पैसेज है। उनका मकान हमारा मकान के बीच में 3 फुट का रास्ता है, तो 3 फुट के गली के अंदर में बीच में नाली है। उस नाली में पीछे में 4 मकान है, उसका भी उसी नाली से निकासी चलता है। और जब से आज 25 साल हो गया हमारा मकान बनाए हुए, उसी रास्ते से हम लोग अपना पीछे गली का साफ सफाई सब करवाते हैं। जिस जमाने में ये बिल्डिंग बन रहा था, उसी वक्त ये जो इल्जाम हमारे ऊपर में लगा रहे हैं, उनके वाली साहब से भी हमारा इसी तरीके से एक झड़प हुआ था, एक झगड़ा हुआ था। उस वक्त ये झगड़ा होकर करके सुलह हो गया कि नहीं भाई, हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो आप अपने रास्ते में, आप अपने रास्ते में, यहाँ नाली है, नाली रहेगा। बहरहाल ये नाली था और आज भी नाली है, आपके सामने वह मौजूद है। ये अचानक ये वली अल्लाह बोल करके एक अपने आप को चार मीनार मस्जिद का खतीब इमाम बोल करके तमाम कौम को वरगला रहे हैं। वो किसी भी मस्जिद के इमाम नहीं है, ये वसूली करने वाले लोग हैं, दूसरे लोगों के जगह कब्जा करने वाले लोग हैं। और पुरानी पुरानी मस्जिद, पुरानी पुरानी कब्रिस्तान की जगह इन लोग तलाश करते हैं और वहाँ पे घुसते हैं, घुस के कब्जा करते हैं। एक बात बताइए, हमने देखा कि वीडियो में उनको उनका कहना है आप इस इलाके के एक काउंसलर हैं और आप हमेशा मैंने जितने लोग आपके साथ घूमते एक टीम बना के रखते हैं, तो हमेशा नजर में रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, ये भी वीडियो में हमने देखा, जो शख्स हमको नशेड़ी बना रहा कि यहाँ काउंसिलर हर वक्त नशे में चूर रहता है और हमारा साथी संगति, हमारे कार्यकर्ता जितना है सब नशा करते हैं। तो आज हमारी दीदी ममता बनर्जी, 2011 से हम सरकार में आए, हम यहाँ 5 साल काउंसिलर थे, आज 5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आज भी काउंसिलर का काम हम ही करते हैं। हम लोग एक्स नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा एक्स नहीं कहलाएंगे हम लोग। आज भी तमाम कॉर्पोरेशन का काम हम तमाम वार्ड के तमाम जो काउंसिलर है आज भी हम लोग उसको करते हैं। तो उनका उस वीडियो में ये भी हमने सुना है कि उनका कहना है कि आप हमेशा नशे में चूर रहते हैं और जुल्म करते हैं और हमेशा पब्लिक पे जुल्म करने रहते हैं, इस बारे में आप क्या? आज आप तो मेरे वार्ड में आए हैं, ये वार्ड जिस जगह में हम खड़ा है यहाँ से हमारा वार्ड शुरू होता है और अंदर गली में BLI रोड में खत्म होता है। आज 2-3 लाख की आबादी वाली ये पिलखाना है। आप ये अंदाजा लगा ले कि ये आदमी दाढ़ी टोपी या सफेद चोला पहन कर करके जो इल्जाम लगा रहा, अगर हम नशा करने वाले लोग होते तो ये हमारे पिलखाने के आदमी क्या इतना मूर्ख है कि हमको काउंसिलर बनाएंगे या हमको लीडर बनाएंगे? हम आज 2011 से लगातार 8 चुनाव हम अपने इलाके में लड़ा और लड़के हम जीत प्राप्त किया। वीडियो में ये भी कहा गया है कि आपने और आपके कुछ कार्यकर्ता या आपके रिश्तेदार उनके साथ मॉब लिंचिंग किया और उनको मारे भी है और उनका एक तक हॉस्पिटल में होगा, उस बारे में आप क्या कहें? वीडियो आप देख ले, किसी भी जगह में अगर उस शख्स को अगर 25-30 आदमी मिल के अगर मारने के लिए आएंगे तो वो शख्स का कुर्ता, उस शख्स का चेहरा इस तरीके का होगा? इस तरीके का तो हो नहीं सकता। आप, हम तो यहाँ के काउंसिलर है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो आपको सोचेंगे एक लीडर है इस तरीके से बोल रहा। आप हमारा जनता जनार्दन है, आप हमारे आवाम से आप पूछें, आवाम से हमारा तुलना करें कि हम क्या किया है, उनके अब्बा वजदाद क्या किए हैं। आज ये जगह, जिस जगह के लिए हम सामने में आए, आप खुद यहाँ पे गवाह बने और उसको देखें कि अगर हम जुल्म किया है या जुल्म कर रहे
तो आप उसका खुद फैसला करें, आप मीडिया वाले भी एक फैसला करने वाले हैं, अदालत इसका फैसला करेगा। अगर उनके पास में उनके पास घर मकान का कागज है, मेरे ख्याल से एक मकान का कागज भी उसके बाप के नाम से नहीं होगा, ये भी हम आपको चैलेंज के साथ बोल रहे, ये मकान का कागज भी उसके बाप के नाम का नहीं होगा। अच्छा, उनका एक एलिगेंस और है कि जब ये झमेला हुआ था उसके दौरान इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आया और पुलिस भी उनको सपोर्ट नहीं किया और पुलिस आपके डर से पुलिस बाहर चले आए, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पुलिस के बाद जो बताया गया है, मैं यहाँ पे खड़ा था, भीड़ लगी हुई थी, पुलिस आया उधर से और आकर करके सीधा उसी की दुकान में घुस गई, हमने नहीं देख पाया, हम पुलिस के इंतजार में थे, हमने खुद बड़ा बाबू को अपने फोन करके बुलाया खुद से कि सर यहाँ पे इस तरीके से झमेला हो रहा, आप पुलिस को भेजिए, पुलिस आया वहाँ बैठ गया, तो हम उनके पास गए कि सर आप वहाँ बैठ के इंटरव्यू मत लीजिए, पहले स्पॉट देखिए कि स्पॉट किस चीज के लिए झगड़ा हुआ, तो वो बेचारे लोग मेरे साथ निकल के आए, उनको ये गली दिखलाया, देखने के बाद उन लोगों ने खुद बोला कि ठीक है हम जा रहे, उनको मना कर देंगे कि अभी यहाँ जब तक कोई बात नहीं हो जाएगा दुकान नहीं खोलने की। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप खाना आए और ये मुद्दा को आप समझ रहे हैं। आप देखिए वो कॉमन पर्सन है, वहाँ पे 3 लैंडलाइन है, वहाँ पे तो चाय दुकान कैसे खुलेगा, आज नहीं कल, अभी गैस इतना फट रहा है, छोटे छोटे इलाके में आप देख रहे होंगे गैस सिलेंडर फट रहा है, स्पॉट में 1.5 लोग हो रहे हैं, अगर इस बिल्डिंग में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा वहाँ पर, पब्लिक का अगर वहाँ पे कचरा जाम हो गया, अगर कोई अगर ऊपर से अगर कुछ गिर गया तो उनको कैसे निकाला जाएगा, ये आप लोग देखिए, पब्लिक भी देख सकते हो कितनी बड़ी पैसेज है वो, छोटी पैसेज है वो, और उसमें अगर गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गया, तो पब्लिक कैसे जाएंगे, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा, पुलिस कैसे जाएगा, आप बताइए। 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अपना आंख से जो देखे यहाँ पर कोई दुकान नहीं, जो देखे आप वही बताइए, जो जानते हो वही बताइए। 10 साल से कर रहे हैं यहाँ पर, कोई गली में कोई दुकान नहीं था, समझे ना, ये चाय का दुकान लगाने का मैटर में थोड़ा सा टक्का तुक्की हुआ और कोई बड़ी बात हुआ नहीं, देखिए एक है गलत है ये है, बोलने का मतलब है कि जगह क्या लीगल है, यहाँ चाय का दुकान होना चाहिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ उस बारे में आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे दुकान नहीं था, आप कब से यहाँ दुकान लगा? यहाँ लगा हम 3-4 साल से, 3-4 साल में कभी दुकान नहीं था, मैंने जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाय दुकान था, नहीं 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 था, गलत। बताइए 2 दिन पहले कुछ यहाँ पर आपका आपके पड़ोस में ही दुकान है और एक दुकान का लेकर कुछ लफड़ा हुआ था, वो आप वो ये बताइए कि उस जगह जो दुकान था या कुछ और था वहाँ पर, क्या बता सकते हैं? वो तो पर्सनल ऐसे गली खाली था, वहाँ दुकान वगैरह नहीं था, जब पुराना मकान था तो उस टाइम भी वो लोग दुकान बना के अपना रहने या पुलिस करे तो दुकान वहाँ पे तोड़ भांग हुआ, फिर अभी यहाँ पे प्लास्टिक व्लास्टिक बांध के 2 दिन पहले दुकान बनाने का कोशिश किया गया था, इससे पहले कोई दुकान नहीं, इससे पहले कोई दुकान नहीं, मैंने वो जगह क्या आपको लगता वो जगह नहीं, वो जगह तो हमेशा नाली वाली साफ होता था, महीने में 1-2 बार डूबता था गाड़ी यहाँ पे, पूरा गाड़ी पूरा खुला हुआ निकाला जा रहा है, जो एलिगेंस लगाया गया है कि वो दुकान हमारा था तोड़ दिया गया है, वो मैंने वो गलत है या सही है? वो तो गलत है, वहाँ पहले कभी दुकान ही नहीं, हमें सुनने में आया कि आपका ये एक बिल्डिंग है जिसमें कॉमन पैसेज में एक दुकान बनाया है, जी हाँ, उस बारे में क्या बता रहे? ये एक कॉमन पैसेज था, मतलब की गली था, यहाँ कूड़ा वगैरह गिरता था, नाली वगैरह साफ होता था, दोनों आदमी का ही रहता था, और हम लोग का जो है नाली का पाइप जो पीछे की तरफ से जा रहा था, लेकिन ये लोग जो है वहाँ कॉमन पैसेज में जगह बना के वहाँ पर ही फिल्टर पानी का काम चालू कर दिया और फिर यहाँ पर ही भाड़ा भी देने लगी है। आप इस बारे में कभी एक्शन नहीं लिया? आप तो इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड है, तो फिर आप इस बारे हम लोग एक्शन लिए, हम लोग बोले, मेरे पापा उस टाइम में थे मौजूद, मेरे पापा ये बोले, लेकिन ये लोग जो है जोर जबरदस्ती जो है कर दिया, यहाँ पर कोई दुकान का नहीं था, यहाँ पर कॉमन सेंस ये हमेशा खाली था। कितने साल से यहाँ पर आपको दुकान लग रहा है? मेरा यहाँ 4 साल से दुकान लग रहा है। 4 साल में कभी आपने देखा नहीं? कभी नहीं देखे हम।